हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। डियर स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट चैप्टर 1, आवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। एंड इन आवर ऑनलाइन क्लास दिस चैप्टर इज आल्सो हाफ डन। एंड नाउ वी विल सी द चैप्टर। एंड you all are requested to join the class, online class, okay? So our earth in the solar system, beta chapter, the name of our chapter is our earth in the solar system. Dear student, before starting the lesson, first of all we will discuss about the topic, the head of the chapter, आवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। मतलब सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी। सो इन आवर सोलर सिस्टम हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर? इन आवर सोलर सिस्टम देयर आर 8 प्लैनेट्स। ओके बेटा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून। ओके, these are the planet in our solar system, and in among all these planets our earth is a unique planet because life is possible on the earth. So the universe, first of all we will discuss about the universe. Have you ever heard of the word space? kya aapne isse pehle kabhi space ka naam suna hai? The sun, the moon and the star and the planets are located in space. beta, space mein kya kya cheeze hoti hain? space mein sun hota hai, moon hota hai, stars hote hain, planets hote hain, jo ki kahan hote hain beta? space mein. all these things in space make up our universe. ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं बेटा हमारे स्पेस में, ये हमारे यूनिवर्स को फॉर्म करती हैं। द यूनिवर्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डस्ट, गैसेस, पीसेज ऑफ रॉक्स एंड मैनी अदर थिंग्स। हमारा यूनिवर्स है बेटा, वो किस किन चीज़ों से जुड़ा होता है या किन किन चीज़ों से मिलके बना है? डस्ट, गैसेस, पीसेज ऑफ रॉक्स एंड मैनी अदर थिंग्स बाई विच आवर यूनिवर्स इज फॉर्म्ड। यू विल रीड अबाउट दिस लेटर। इसके बारे में आप लोग बेटा बाद में पढ़ेंगे। आवर यूनिवर्स इज़ वेरी बिग। हमारा जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है। द सन, द मून, प्लैनेट्स एंड स्टार्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि हेवनली बॉडीज़ में क्या क्या आते हैं। हेवनली बॉडीज़ में सन, मून, प्लैनेट और स्टार आते हैं। डिड यू नो द सन इज़ एक्चुअली अ बिग, वेरी बिग स्टार? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट कीप इन योर माइंड, आप अपने माइंड में इस चीज़ को रखिएगा कि जो सन है वो एक स्टार है ना। जैसे तारा हम लोग देखते हैं, बहुत सारे तारे देखते हैं, ठीक उसी तरीके से जो सन हमारा है वो क्या है? स्टार है। ओके बेटा, सो मैनी सच स्टार्स, क्लाउड्स, गैसेस टुगेदर फॉर्म अ गैलेक्सी। इस तरीके के बहुत सारे स्टार, क्लाउड और गैसेज मिल करके गैलेक्सी को फॉर्म करते हैं। देयर आर डिफरेंट गैलेक्सीज इन आवर यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में बहुत तरीके की गैलेक्सीज हैं। द सन इज़ अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। जो हमारा सन है बेटा, द सन इज़ अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी। जो सन है हमारी गैलेक्सी का एक पार्ट है, और उस हमारी गैलेक्सी क्या है बेटा? मिल्की वे। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार इन द मिल्की वे। मिल्की वे में जो कि हमारी गैलेक्सी है उसमें बिलियंस ऑफ स्टार हैं। एंड नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोलर सिस्टम। बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम। विच वॉट थिंग्स आर देयर एंड विच टाइप्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। सो इन आवर सोलर सिस्टम एज यू नो द सन इज़ अ स्टार। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। और ये एक बहुत बड़ा बॉल है ना हॉट गैसेस का। द सन
is the source of light and energy in the solar system. The sun is the source of light. जो sun है बेटा वो क्या है, source of light है and energy in the solar system. This has made life possible on earth. और sun की वजह से life हमारे earth पे possible है. 8 heavenly bodies called planets move around the sun. बेटा जैसे family member में जो सबसे बड़ा member होता है उसके आसपास सभी लोग घूमते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, या अपने अपनी किसी कोई भी डिमांड है तो हम अपने पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जब तक हमको वो चीज़ मिल नहीं जाती है. ठीक उसी तरीके से जो सोलर सिस्टम का जो मेन मेंबर है या जो मेन मुखिया है या जो हेड मेंबर है वो क्या है, सन है. और सन की वजह से ही सन के चारों तरफ जितने भी ये 7 प्लैनेट्स हैं बेटा वो रोटेट करते हैं सन के चारों तरफ. द सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी इन द सोलर सिस्टम. दिस हैज़ मेड लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ. 8 हेवनली बॉडीज कॉल्ड प्लैनेट मूव अराउंड द सन. आवर अर्थ इज़ वन अमंग दोज प्लैनेट. हमारा अर्थ बेटा उन प्लैनेट्स में एक है. द सन एंड द 8 प्लैनेट्स मेक द सोलर सिस्टम. सन और 8 प्लैनेट मिल करके क्या बनाते हैं, हमारे सोलर सिस्टम को बनाते हैं. नेक्स्ट है बेटा प्लैनेट. वी विल डिस्कस अबाउट द प्लैनेट. द वर्ड प्लैनेट मीन्स अ वंडरर. वंडरर का मतलब है बेटा जो इधर उधर घूमता रहता है ना, चक्कर लगाता रहता है. द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्राम द सन. सन से बढ़ते हुए डिस्टेंस के आधार पर जो है, मरकरी है, विनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. दीज आर द 8 प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सन. मीन्स व्हेन आई आस्क टू यू नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज, व्हाट विल बी द आंसर. द आंसर विल बी मरकरी. एंड द फर्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन विल बी नेपच्यून. Planets move around the sun is fixed in fixed paths called orbit. बेटा जो planet हैं वो sun के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, orbit. उस path को हम लोग क्या बोलते हैं, आप picture में भी diagram में भी देख सकते हैं बेटा, एक circle shape का बना है उसी में चक्कर लगाते हैं ये planets. और इस path को हम लोग क्या बोलते हैं, orbits. Each planet take, you can see here the path of the all planets. So each part of each planet takes different duration of time to move around the sun once. बेटा जितने भी प्लैनेट हैं वो अलग अलग ड्यूरेशन, अलग अलग समय लेते हैं सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में. आवर अर्थ टेक अ लिटिल ओवर 365 डेज. और हमारी जो अर्थ है बेटा वो 365 दिन 365 डेज लेती है. वी कॉल दिस पीरियड ऑफ टाइम अ ईयर. इस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर, साल बोलते हैं. अर्थ जो है सन का पूरा एक चक्कर लगाने में 365 डेज लेती है और इसको हम लोग बोलते हैं ईयर. प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, दे रिसीव लाइट फ्रॉम द सन. वन थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इंफॉर्मेशन, प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट. प्लैनेट्स का बेटा खुद का प्रकाश नहीं होता है, खुद की लाइट नहीं होती है. वो किसके लाइट से चमकते हैं, सन की लाइट से. जस्ट फॉर एग्जाम्पल अर्थ पे अगर बेटा सन की लाइट ना पड़े तो चारों तरफ क्या रहेगा, अंधेरा. So my dear student, the remaining part will be discussed in the next class, and you all are requested to join the online classes and purchase your book as soon as possible and do the proper study at your home. Thank you. Have a nice day.